Dear viewers and my dear students, greetings from SRM classes. Now I will discuss the mathematical construction of the simple conical projection with one standard parallel. I have already explained in the first video that what is simple conical projection with one standard parallel, what is standard parallel, where the light is kept, everything I have discussed in detail. Now I will discuss the mathematical construction of this projection. Here you can see that LLESQM is a globe. A globe hai, aap dekh rahe hai. O iska kendra hai. L north pole hai, S iska south pole hai. To LS iski axis ho gayi. Aur pehle bhi maine aapko bataya tha ki iske upar ek cone rakha gaya hai A, B, C, jo LM parallel ko touch kar raha hai. Yeh jo parallel hai, wo 5 degree ka parallel hai. 5 डिग्री का पैरेलल मतलब कि वो इक्वेटर से 5 डिग्री के कोण पर स्थित है. दिस इज स्टैंडर्ड पैरेलल इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 5 डिग्री विद द इक्वेटर. अगर यह है तो उसमें क्या होगा? अगर ये फाई है, क्यू ओ एम आप देख लीजिए, फाई है तो फाई है. अगर तो इसमें आप देखें, यह जो यह रखा गया है जो कोण, आप यहाँ देखिए एम इसको टच कर रहा है. एम पर आपको मैंने बताया था कि एम ही इसका स्टैंडर्ड पैरेलल का प्रोजेक्शन पर रेडियस हो जाता है और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है. तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है? इसको बनाने के लिए तीन रिक्वायरमेंट है. देर आर थ्री रिक्वायरमेंट्स फॉर दी मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्शन. नंबर वन इज द रेडियस ऑफ द स्टैंडर्ड पैरेलल. नंबर टू इज द इंटरवल बिटवीन द between the parallels on the central median, and number three is the interval between the medians on the standard parallel. Let me come to the first requirement. सबसे पहले हम पहले requirement पर आते हैं, that is the interval, that is radius of the standard parallel. अब देखिए इस triangle को हम कर रहे हैं consider, triangle AOM. Triangle OM में देखिए OM क्या है? इसका radius है, आप जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं OM इसका radius है. और ए एम क्या है? उसके ऊपर टेंजेंट है. आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई स्पर्श रेखा है ना रेडियस से मिलती है सर्किल के, तो वहाँ पर वो क्या करती है? समकोण बनाती है, 90 डिग्री का वो कोण बनाती है. इसलिए एंगल क्या होगा? ए एम ओ क्या हो गया? 90 डिग्री. देखिए इसमें हमने देखा ए एम ओ इज़ इक्वल टू 90. और दूसरा एंगल यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है ए ओ एम, ये कितना है आपका? ए ओ एम क्या है? 90 डिग्री माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर आपको क्यू ओ एम अगर 95 डिग्री है और आप जा रहे हैं, यह एक्सिस इक्वेटर पर क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है. तो यह क्या हो गया? यह 90 पूरे 90 में से टी ओ एम टी ओ क्यू में से, या ए ओ क्यू 90 डिग्री है, इसमें से 90 डिग्री से अगर 5 घटा देंगे तो हमारा ए ओ एम क्या हो जाएगा? वो ए ओ एम या ओ ए कह सकते हैं. यहाँ पर देखिए आप ए ओ एम 90 डिग्री माइनस 5, हमने लिखा भी है वहाँ पर ए ओ एम इजकल टू 90 डिग्री माइनस 5. अब निकालना है ये एंगल, इसी ट्रैंगल में हमको सॉल्व करना है. एम जो निकालना होगा इसी ट्रैंगल से निकलेगा. तो इसमें देखिए आप कि आप देखिए इसे, ये राइट एंगल ट्रैंगल हो गया. अब राइट एंगल ट्रैंगल हो गया, चाहे कोई भी ट्रैंगल हो, जब दो कोण मालूम है और तीसरा कोण अगर निकालना है तो आप जानते हैं तीनों कोण को मिला करके क्या होता है? सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. तो उस पूरे 180 डिग्री में से बाकी दोनों एंगल का अगर हम जोड़ घटा देंगे तो तीसरा एंगल निकल जाएगा. तो हमने वहाँ पर यही किया है. आप जैसे ओ देखिए, एंगल ओ ए एम, ओ ए एम निकालना है तो ये 180 डिग्री में से हमने क्या किया? 90 डिग्री माइनस 5 और ये प्लस 90 डिग्री, या 90 डिग्री, या 90 डिग्री माइनस 5 प्लस 90 डिग्री. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? कट करके अंत में 5 के बराबर हो जाता है. यानी आपका एंगल ओ ए एम, ओ एम कितना के बराबर हो गया? 5. अब बड़ा आसान हो गया निकालना. इसी ट्रायंगल में अगर 5 को ऑन में करते हैं कंसीडर, उसके सामने वाली जो भुजा, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, है ना. और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज है. आपको मैंने पहले भी जब हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था. अब बाकी बस ये आधार निकालना, क्या है आपको बेस आधार निकालना है. आधार के लिए कौन सा फॉर्मूला सबसे उपयुक्त होगा? यहाँ पर
साइन से करेंगे नहीं होगा, कॉस से करेंगे तो उसमें हाइपोटेन्यूज आ जाता है, अब टैन लगाएंगे तो टैन क्या है लंब बटा आधार माने परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें हमने टैन लिया है टैन फाइ इजिकल टू ओ एम बाय एम इजिकल टू आर बाय एम, फिर एम इजिकल टू आर बाय टैन फाइ इजिकल टू आर इंटू वन बाय टैन फाइ इजिकल टू आर कॉट फाइ, यानी पहला जो है रेडियस ऑफ द स्टैंडर्ड पैरेलल ऑन प्रोजेक्शन इजिकल टू आर कॉट फाइ, ये पहला रिक्वायरमेंट निकल गया आपका। यह देख लिया आर कॉट फाइ के बराबर होगा। अब आते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरवल बिटवीन द पैरेलल्स ऑन द सेंट्रल मेरिडियन। तो हम मान लेते हैं कि एक थीटा डिग्री को मान लेते हैं, लेट थीटा डिग्री बी द इंटरवल बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियन। कोई भी एक किसी एक प्रोजेक्शन के लिए पैरेलल्स एंड मेरिडियन एक ही इंटरवल माना जाता है, मतलब हमने यहाँ साफ साफ लिख दिया है लेट थीटा डिग्री बी द इंटरवल बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियन। तो हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंट्रल मेरिडियन पर निकालना है, यानी मेरिडियन है, हर मेरिडियन एक सर्किल है, उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र जो पृथ्वी का केंद्र है, अर्थ का जो केंद्र है वही उसका केंद्र है, मतलब उसका भी रेडियस वही होगा कैपिटल आर के बराबर रेडियस रेडियस। तो उसका तो लेंथ निकालना बड़ा आसान है, उसका परिधि निकाल लेंगे मतलब लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ देखिए हमने निकाला है, लेंथ अगर होगा तो क्या होगा, टू पाई आर के बराबर होगा, 2πr वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री, हर सर्किल 360 डिग्री के बराबर होता है, तो ये भी 360 डिग्री के बराबर होगा, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2πr और 1 डिग्री सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1 डिग्री इक्वल टू 2πr बाय 360, थीटा डिग्री इक्वल टू 2πr बाय 360 इंटू थीटा, और इसको कहते हैं 2π, इसको सजा के दिखेंगे 2πr इंटू थीटा डिग्री बाय 360 डिग्री, मतलब 2πr इंटू इंटरवल बाय 360, यही आपका सेकंड फॉर्मूला निकल गया। नेक्स्ट अब इसके बाद हमको करना है तीसरा रिक्वायरमेंट है, तो इंटरवल बिटवीन द मेरिडियंस ऑन द स्टैंडर्ड पैरेलल। अब देखिए हम थर्ड रिक्वायरमेंट पर आते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पहले मैं बताया था, वह क्या है, द इंटरवल बिटवीन द मेरिडियंस ऑन द स्टैंडर्ड पैरेलल, यही थर्ड रिक्वायरमेंट है ना। तो थर्ड देखिए इंटरवल बिटवीन मेरिडियंस ऑन द स्टैंडर्ड पैरेलल, यहाँ पर एल एम है स्टैंडर्ड पैरेलल, एल एम मैंने लिख दिया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ओ टी एम जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये टी एम क्या है, स्टैंडर्ड पैरेलल का रेडियस है, स्टैंडर्ड पैरेलल का रेडियस है। टी एम हम जानते हैं ये स्टैंडर्ड पैरेलल के लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता प्रोजेक्शन पर, तो उसका लेंथ हम ग्लोब पर भी निकाल लेंगे तो वही रहेगा, तो उसका ग्लोब पर क्या लेंथ निकाल होगा, इसके लिए पहले उसका रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि वह सर्किल है। आप देखिए टी एम इसका क्या है, रेडियस है। टी एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ओ टी एम को हम कंसीडर कर रहे हैं। ओ टी एम में देखिए पहले क्या क्या चीज़ ओ टी एम में है, ओ टी एम में देखें ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ओ टी एम एंगल ओ टी एम, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा इसकी कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और यह अगर फाई है क्यू ओ एम अगर फाई है तो यह टी एम ओ भी क्या होगा, फाई के बराबर होगा, क्योंकि यह अल्टरनेट एंगल है। क्यों अल्टरनेट है, क्योंकि टी एम और ओ क्यू पैरेलल है और इसे ओ एम उससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमने लिख भी दिया इस बात को, इसलिए एंगल क्या है, टी एम ओ इजिकल टू एंगल क्यू ओ एम इजिकल टू फाई, तो हमारे ये फाई एंगल निकल गया, और ये पहले से मालूम है आपको टी ओ एम क्या है, 90 डिग्री माइनस फाई, दो एंगल आपको पता हो गया। आपको निकालना क्या है, टी एम निकालना है, तो टी एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर इस फाई को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, और आपको निकालना क्या है, आधार निकालना है, आधार तो ये नहीं तो खापेट न्यूज है, आधार निकालना है, आधार निकालने के लिए क्या करें, कॉस फाई का फॉर्मूला निकालेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है यह रेडियस है यहाँ पर आर के बराबर, देखिए कॉस फाई हमने लिखा है कॉस फाई इजकल टू टी एम बाई आधार बटा टी एम बाई ओ एम, फिर कॉस टी एम बाई कैपिटल आर आर हुआ, फिर टी एम को आर कॉस फाई हो गया, मैं रेडियस निकल गया, बहुत आसान हो गया, टी एम जो रेडियस निकल गया। अब हम उस सर्किल का परिधि निकालेंगे यानी लेंथ निकालेंगे,
360 डिग्रीज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर, आर का मतलब टीएम, उसका उसका रेडियस टीएम है, टीएम का वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पर, 2 पाई आर कॉस पाई हो गया। फिर 1 डिग्रीज इक्वल टू पहले वाले मेथड लगाएंगे जो पहले आपको मैंने बताया है, 1 डिग्रीज इक्वल टू 2 पाई आर कॉस पाई भी 360 डिग्री, और थीटा डिग्रीज इक्वल टू टू पाई आर कॉस पाई बाय 360 इंटू थीटा डिग्री, इसको सजा के लिख देंगे 2 पाई आर इंटू थीटा डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू कॉस पाई। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग इसमें है कि यहाँ तक तो वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, ये इंटरवल ऑन द सेंट्रल मेरिडियन है ना, बिटवीन दी पैरेलल्स, उसमें केवल कॉस पाई से गुना करते जाना है, आपको निकल जाएगा कितना डिग्री का आपको निकालना है, जिस डिग्री का आपको निकालना है मेरिडियन का उससे बस गुना कर दीजिए, फाइव डिग्री से पूरे बल्कि फाइव एक ही रहेगा, उस पर पूरे जो इन्फॉर्म रहता है बिटवीन दी मेरिडियन से इन्फॉर्म रहता है, बस कुछ नहीं करना है, बस ये पहले से आपको मालूम है कॉस फाइव से गुना कर दीजिए, कॉस फाइव का वैल्यू आप लॉग टेबल से निकाल करके उसको गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से तीनों आपको रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताया, यह सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंड पर का तीनों रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, तीनों फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा यह वीडियो, इस काफ़ी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और काफ़ी देर से आप सुन भी रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।